2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी युवाओं पर दांव लगाएगी। पार्टी 50% सीटों पर युवाओं को टिकट देगी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य इकाई के पुराने नेताओं से साफ कर दिया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं के लिए 50% टिकट आरक्षित करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने इस साल मई में उदयपुर घोषणा का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी 50% सीटों पर युवा उम्मीदवारों को मौका देगी। दरअसल कांग्रेस ने राज्य की सभी 224 सीटों पर 3 सर्वे किया है। जीतने वाले उम्मीदवारों को पार्टी 2023 में टिकट देगी। प्रत्येक सीट के लिए 1 से 3 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। इसमें 50 वर्ष की आयु से कम के युवा और महिलाएं शामिल हैं। कांग्रेस के ऐसा करने के बाद वर्तमान में 68 विधायक आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके अलावा पिछली बार 60 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी उम्र अब अधिक हो चुकी है। ऐसे में उनके चुनाव लड़ने पर संशय बरकरार रहेगा। वहीं खड़गे के एक करीबी विधायक का कहना है कि कांग्रेस ऐसा प्रयोग कर सकती है जिससे नौजवानों को मौका मिले और वे बीजेपी से टक्कर लें। जिन सीटों पर भाजपा के दिग्गज नेताओं का वर्चस्व है, कांग्रेस वहां युवाओं के हाथ में कमान सौंप सकती है। इनमें शिकारीपुरा सबसे ऊपर है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का कब्जा है। इसके अलावा सीएम बोम्मई के गृह क्षेत्र हंगल में भी कांग्रेस युवा उम्मीदवार को मौका दे सकती है। इस बारे में कांग्रेस के एक विधायक का कहना है कि हम युवाओं को चैलेंज स्वीकारने के लिए आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।